हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजन शर्मा। वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि वर्ड पैड के अंदर जो ये पैराग्राफ के सारे ऑप्शंस हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इसको आज हम डिटेल में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल सके और आप उन वीडियोज़ को देखकर और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ ही ऑप्शंस है पैराग्राफ के अंदर जो यूज होते हैं वर्ड पैड के लिए। अगर आपको और भी इसके ऑप्शंस यूज करने हैं, जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैराग्राफ के अंदर, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की वीडियो देखेंगे, विन वर्ड की, तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। उसके ऊपर मैंने वीडियोज बना रखी हैं जो आपको मेरे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आप जाओगे एमएस वर्ड के अंदर देखोगे तो मिल जाएंगे। जैसे कि वीडियोज चल रही है मेरी, ये मेरा प्ले लिस्ट है। अगर आप एमएस वर्ड फंक्शन इन हिंदी प्ले लिस्ट डालते हो बाय राजन सर, तो आपको ये सारी वीडियोज मिल जाएगी। करीब करीब 34 वीडियोज मैंने बना रखी है फ्रेंड्स, ये देखिए एमएस वर्ड के ऊपर आप ये देखकर सारी चीजें सीख सकते हैं एमएस वर्ड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा पैराग्राफ है। और जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, वेलकम टू द चैनल। मैंने एक सेंटेंस लिखा फ्रेंड्स, वेलकम टू द माई चैनल, और इसे मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये फॉन्ट के बारे में भी मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया है, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी तो उस वीडियोस को देख लें, आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ जाएंगे क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इसे हम कहते हैं डिक्रीज इंटेंट और इसे हम कहते हैं इंक्रीज इंटेंट। डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसको मूव करने के लिए होता है, कि अगर आप इसे राइट साइड में मूव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करना होगा, और अगर आप इसे लेफ्ट साइड में मूव करना चाहते हैं तो आपको डिक्रीज इंटेंट पर इस तरीके से क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये मूव करने के लिए, फॉन्ट को मूव कराने के लिए होता है फ्रेंड्स। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा स्टार्टर लिस्ट। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम अल्फाबेट है ये लोअर केस में और ये कैपिटल में है। ठीक है, ये काउंटिंग में है, न्यूमेरिकल में है, 1 2 3 करके इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा रोमन नंबर में है और ये हमारा रोमन नंबर के अंदर है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका ये टेक्स्ट लिखा है इसके आगे, जैसे कि आप देखते हैं कि 1 सेंटेंस, 2nd 3rd 4th इस तरीके के नंबर लिखे हो, तो आपको यहाँ क्लिक करके इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है नंबर 1 सेंटेंस, मतलब ये एक पहला सेंटेंस है। अगर आपको कोई दूसरा सेंटेंस भी लिखना है तो आपको सिर्फ एंटर करना होगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 2.0, दैट मीन्स दूसरा सेंटेंस लिखने के लिए यहाँ पर कह रहा है। जैसे मैंने यहाँ दूसरा सेंटेंस लिखा, सब्सक्राइब टू आर चैनल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो गया। अगर मैं कोई तीसरा सेंटेंस लिख रहा हूं तो मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 नंबर जो है ऑटोमेटिक आ गया। दैट मीन्स मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं एंटर करूंगा और वो नंबर वाइज 1 2 3 ले लेगा। और 3 सेंटेंस जैसे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। ठीक है, अब दोबारा जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 4th नंबर भी आ गया है फिर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, दोबारा मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए 5वां नंबर भी आ गया। तो फ्रेंड, जैसे जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा एक बार टैक्स लगाने के बाद, तो वो जो नंबर है ऑटोमेटिक सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 10 जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो उसको फॉलो करता जाएगा, नीचे अपने आप आता रहेगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहते हैं कि 1 2 3 नंबर की जगह कोई ABCD के अंदर, दैट मीन्स ऐसे अल्फाबेट में कुछ आए तो आप देखें ABCD आ गया। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये ई ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो आप ABCD में भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई रोमन नंबर में लिखना है तो ये देखिए लोअर रोमन नंबर में लिखना है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा रोमन नंबर है लोअर में। अगर अपर में लिखना है तो आप इसी पर क्लिक करके यहाँ अपर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए अपर लोअर नंबर में हमारा जो ये सेंटेंस है वो लिखा हुआ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो भी आपको चाहिए होगा नंबर आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके टेक्स्ट के अंदर जो भी आपने सेंटेंस लिखा है इसके आगे कोई भी नंबर या काउंटिंग नहीं लिखनी है कि नंबर वाइज चल रहा है, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके नन पे क्लिक कर देना होगा। जब यहाँ नन पे क्लिक कर देंगे तो जो ये आगे जो आपके 1 2 3 4 5 ABCD जो भी लिखा होगा वो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ आपका टेक्स्ट बचा होगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब बेसिकली फंडा ये है फ्रेंड कि जैसे कि आपने टेक्स्ट जो लिखा है वेलकम टू द
माई चैनल, उसके बीच में आप देख रहे हैं इससे और सब्सक्राइब टू आर चैनल, इन दोनों के बीच के अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा है, इन दोनों के अंदर भी स्पेस ज़्यादा है, इसके अंदर भी स्पेस ज़्यादा है, या आपको लगता है कि जो स्पेस है सेंटेंस के बीच में वो कम है, तो लाइन स्पेसिंग का यूज करके आप सेंटेंस के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे कि कम है तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसे 2 पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा तो बढ़ जाएगा। अभी जो इसका स्पेस है वो आप देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी क्लिक्ड है, यह 1.15 पर है स्पेस। अगर मैं इसे 2 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंस है इनके बीच का जो स्पेस है वो यहाँ से देखिए इस तरीके से बढ़ गया है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ तो 1.5 कर दूंगा, देखिए थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ा और कम करना है तो 1.5 कर, थोड़ा और कम, और सबसे बिल्कुल कम करना है तो 1.0 पे क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कम नहीं होगा वर्डपैड के अंदर, किसी इसके अंदर सिर्फ इतना ही इसने दे रखा है, जितना ऑप्शन दे रखा है लास्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लास्ट इतना क्लिक कर सकते हैं, जो ये हमारा एड 10 PT स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और लास्ट आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इससे कम अब वर्डपैड के अंदर स्पेस जो है वो नहीं होगा फ्रेंड्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका लाइन स्पेसिंग चेक कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा नंबर कर देता हूँ, अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स इस पे, इसे हम कहते हैं एलिगेंट टेक्स्ट लेफ्ट, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+L, और इसे हम कहते हैं सेंटर, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E, और इसे हम कहते हैं एलिगेंट टेक्स्ट राइट, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+R। ये बेसिकली यूज होते हैं किस लिए फ्रेंड्स, ये यूज होते हैं कि जैसे जो भी आपने सेंटेंस लिखा है, मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब देखिए जो भी हमने ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, राइट साइड की तरफ जाता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो डायरेक्ट राइट साइड में आ जाए, या सेंटर में आ जाए, या लेफ्ट साइड में आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये एलिगन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं राइट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो राइट साइड की जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इस साइड से बिल्कुल बराबर हो गए हैं, और इस साइड से जो इनका सेंटेंस जैसे छोटा बड़ा है उस तरीके से ये अरेंज हो गया है। अगर मैं इसे सेंटर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो ऐसा हमारा वर्ड लिखा है उस वर्ड के अकॉर्डिंग इसने आपने आप इसको इसने सेंट्रलाइज कर लिया है। आप देखिए जितना स्पेस इधर बचा हुआ है इतना ही स्पेस इसके नीचे वाले सेंटेंस में इधर बचा है, जितना इसके नीचे यहाँ बचा है उतना ही इधर बचा है, मतलब ये अपने आप ही क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है। अगर आप इसको लेफ्ट में क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा जैसा आपको पहले था वैसा ही हो गया है। तो मैं इसे सेंटर करके रखता हूँ। उसका जो हमारे ये ऑप्शन है इसे हम कहते हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई का शॉर्टकट होता है Ctrl+J, और ये यूज होता है जैसे कि आपने जो ये टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि जैसा हमारा पहले लिखा था जिस पोजीशन में पहले ये टेक्स्ट हमारा था उसी पोजीशन में चला जाए, तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना होता है। जब हम टेक्स्ट लिख रहे थे वो हमारा टेक्स्ट इस पोजीशन में इस तरीके का था फ्रेंड्स, ठीक है। हमने इसे एडिट करके ऐसा कर दिया या ऐसा कर लेते हैं, तो जब मैं जस्टिफाई पर क्लिक करूंगा तो जैसा ये मेरा पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसा ही स्टार्ट हो जाएगा, देखिए। तो ये हमारा जस्टिफाई के लिए यूज होता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ में यहाँ पर आप देख रहे हैं 1.72 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, राइट लेफ्ट और फर्स्ट लाइन का जो ये स्पेस और गैपिंग है इसके बारे में बता रहा है ये साइज के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हो कि इसके बीच का जो साइजिंग है या जो वर्ड है वो इधर उधर हो जाए या वर्ड अलग हो जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज करना होगा। जैसे लेफ्ट है ये 1 है तो मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, ये 0 है तो इसको मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, और ये -6 है तो इसको मैंने 2 कर दिया। जब मैं इसे यहाँ से ओके करूंगा तो आप देखिए जो मेरा टेक्स्ट है टेक्स्ट का स्टाइल आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये चेंज हो गया, मतलब ये यहाँ से वेलकम टू स्टार्ट हुआ। देखने आप यहाँ रूलर देख रहे हैं ना, ये रूलर जो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ये जब मैं इधर करूंगा इसे तो इधर करूंगा तो ये जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है वो ऑलरेडी इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा जैसा मुझे करना होगा। तो ये जो टेक्स्ट है उसको देखिए इसने इस तरीके से स्टाइल में लिख दिया है। तो अगर आप इसका भी चेंज यूज करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर याद करने होंगे या आपको टाइप कर करके देखना होगा कि इसके बीच में से कहाँ से कितने स्पेस में जो वर्ड है वो कट रहा है और हट रहा है। आप इस तरीके से करके पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि पैराग्राफ के अंदर वर्ड पैड में जितने भी ऑप्शन हैं ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी। इसके बावजूद अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी डाउट्स या आपका कोई क्वेश्चन है वर्ड पैड के पैराग्राफ से रिलेटेड या दूसरे किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाएं, और जो भी आपका डाउट्स या क्वेश्चन होगा आप मुझे यहाँ कमेंट्स करके बताएं। जो भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन है मैं जब कभी भी आपके डाउट्स और क्वेश्चन को देखूंगा फ्रेंड्स उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहे और आप उन वीडियोज़ को देखकर और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर सीख सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, एंजॉइंग योर लाइफ। थैंक यू।